नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बेसिकली अब फॉर्म बहुत सारे लोग भर रहे हैं, बहुत सारे फॉर्म्स जो हमारी टीम भी आप लोग के लिए भर चुकी है। मैं आज काउंट कर रहा था कि लगभग 22 फॉर्म्स हम लोगों ने अभी तक सबमिट कर दिए हैं। जो लोगों ने हमसे हेल्प मांगी है, हम उसे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्यूमेंट्स लोग हमें मेल कर दे रहे हैं, हम उनको पहले गाइड कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स को कैसे बनाना है, फिर वो मेल पे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोग का हम सिस्टम एक्सेस करके जमा करा दे रहे हैं, कुछ लोग का हम ही जमा करा दे रहे हैं। बट ऑफ कोर्स मेल आईडी और ई जो फ़ोन नंबर है वो बेसिकली आपका यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर में आप, मुझे लगता है कि मैंने पहले भी आपको कई वीडियोज़ में बताया है कि उसमें कुछ भी आप चेंजेस मत करिएगा। अगर उसको ब्लॉक भी मत होने दीजिएगा, और मैं कहूँगा हैक भी मत होने दीजिएगा ईमेल आईडी को, क्योंकि उसमें फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो अब आप लोग के बहुत सारे इनपुट्स ऑल ओवर इंडिया से दोस्तों आ रहे हैं, जो लोग फॉर्म सबमिट कर रहे हैं या आप लोग जो डिटेलिंग में जा रहे हैं। हमने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप लोग डिटेल कर रहे हैं, आप लोग उस डिटेलिंग को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें बहुत डिटेल में हैं। जब हम फॉर्म पे जाते हैं, एक रिलेशनशिप की बात आती है, वहाँ हम कंफ्यूज हो रहे हैं। प्लॉट का साइज़ क्या देना है, हमें अपना देना है कि उसमें जो डिफ़ॉल्ट में फीड आ रहा है वो देना है। तो इसमें बहुत सारी दोस्तों चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग के इनपुट आ रहे हैं। तो अब ऑनवर्ड्स जो वीडियो है उसमें दोस्तों आपके एक्सपीरियंसेस, आपके फीडबैक्स, नॉट क्वेश्चंस जो फॉर्म फिलिंग पे हैं उनको हम टेकअप करेंगे। क्वेश्चन आंसर की हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो आज हम आपसे जो डिस्कशंस करेंगे वो आपके एक्सपीरियंसेस फॉर्म भरने में क्या हैं, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ रही। तो ऑनवर्ड्स वीडियो को दोस्तों आप बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, एंड तक देखिएगा, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। दोस्तों अभी हमने कुछ सारे अपेंडिक्स अपने जो हैं भरे थे, उन अपेंडिक्स पर हमने वीडियो बनाई थी। बच्चों अपेंडिक्स और फॉर्म फिलिंग की आज हम बात करेंगे। तो अपेंडिक्स 4, अपेंडिक्स 6, अपेंडिक्स 7A और 7B की बात करेंगे, जो कि हमारे जो है 7A 7B तो हमारे OBCs के क्राइटेरिया के लिए हैं। 4 हमारे बेसिकली जो है उसके लिए है जो एम्प्लॉयमेंट है, जो आप पहले से जो आप डिक्लेयर करेंगे कि आप एम्प्लॉय करते हैं, कहीं से पर्क्स ले रहे हैं, और उसके बाद आप जो है उसको आप इमिडिएटली जो है उसको आप उसका रिजिग्नेशन सबमिट करते हैं। एलओए ए के टाइम नहीं, एक्सेप्टेंस ऑफ रिजिग्नेशन की आप बात करते हैं, और आप एक अंडरटेकिंग देते हैं कि ऑनवर्ड्स जो है हम पूरा टाइम अपना डिवोट करेंगे रिटेल आउटलेट को चलाने में, मैनेजमेंट में। हम कहीं दोबारा जो है कहीं जॉब नहीं करेंगे, कहीं से मालूमेंट नहीं लेंगे। तो इस तरह के ये जो हमारे चारों हैं वो अंडरटेकिंग है। मैं इनको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा, अपना मॉनिटर शेयर करूंगा, आपको उसे बहुत थरोली समझना है। एवरी पॉइंट एवरी लाइन हैज ए मीनिंग। उसके बाद मैं इसी कैटेगरी से संबंधित एक फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करके लॉगिन करके आपको बताऊंगा कि कहाँ क्या क्या क्लिक करना है और कैसे करना है। आप उसे करते जाइएगा, ऑनलाइन खोलूंगा पोर्टल पे। मुझे लगता है मैसेज क्लियर है, और आपको बहुत ध्यान से देखना है। छोटे छोटे आपके डाउट्स हैं उनको शेयर करते रहिए, जिससे मैं औरों को शेयर करता रहूँ इन सब चीज़ों का। तो बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ, आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। तो अब मैं अपना मॉनिटर शेयर करता हूँ, आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। आफ्टर अपेंडिक्स फिर आपको फॉर्म भरने के बारे में बताया जाएगा। ऑनलाइन पूरा भर के दिखाऊंगा, जिसमें इन्हीं चारों अपेंडिक्स का यूज़ कहीं ना कहीं आएगा दोस्तों। चलिए बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ। चलिए दोस्तों, देखिए मैंने अपना जो मॉनिटर आपको शेयर कर दिया है, बस मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये बेसिकली हमारा जो है ब्रोशर है, ब्रोशर से मैं आपको कंपेरिजन इसलिए कर रहा हूँ कि आपको क्लियरिटी रहे कि बेसिकली कैसे जो है चीज़ों को देखना है। तो यहाँ पे दोस्तों आती है अपेंडिक्स 4 आती है, ये कहता है नोटराइज एफिडेविट फ्रॉम द एप्लीकेंट विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट सेक्टर, ड्रॉल ऑफ सैलरी, पर्क्स, इमॉल्यूमेंट्स फ्रॉम स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। बिकॉज अगर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, कहीं से अगर पर्क्स ले रहे हैं, तो आपको जो है उसके लिए अंडरटेकिंग एक देना पड़ता है, एफिडेविट देना पड़ता है। टू बी टाइप इसको टाइप कराना है अप्रोप्रिएट नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे, आप रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है। हम लोग लगभग 100 रुपीज़ के उस पर कर रहे हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है दोस्तों। तो इसमें जो है टू बी सबमिटेड बाई इंडिविजुअल एलओआई होल्डर बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द डीलरशिप। आपको एलओए से पहले दोस्तों इसे जो है आपको सबमिट करना है, राइट, उसके जस्ट बिफोर देना है। लेकिन आपको पहले डिक्लेयर करना है कि आप कहीं से कहीं इमॉल्यूमेंट ले रहे हैं, ये फॉर्म भरते समय दोस्तों आपको करना है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये जो डीलरशिप है इंडियन ऑयल की, पहले यहाँ से आप सेलेक्ट करना है किस कंपनी में कर रहे हैं। आई आपको अपना नाम देना है, डॉटर, सन, वाइफ, एज देनी है, यूर रेजिडेंट ऑफ इतना देना है। हेयर बाई सोलमली डिक्लेयर, इट्स ए सॉर्ट ऑफ दोस्तों एफिडेविट कह लीजिए। अंडरटेकिंग की भी नॉर्मली लैंग्वेज यही होती है कि आप सोलमली जो है इसको सोलमली डिक्लेयर करते हैं कि ये मेरा एक एड्रेस है, यहाँ मेरे ये मेरे फादर हैं, ये मेरी एज है, पहली लाइन में बोलता है।
यहाँ पे लिख रहा है कि डेट मैंने आरओ की डीलरशिप के लिए अप्लाई किया है, इन एनी कंपनी, तीनों का नाम दिया है, आपको जो पर्टेनिंग है उसे रखिएगा, बाकी आप इसमें से डिलीट कर दीजिएगा क्योंकि ये टाइप होना दोस्तों। इसके बाद आप अपनी लोकेशन को क्लियर करिएगा, अपनी कैटेगरी को क्लियर करिएगा, ठीक है। और आप ये कहते हैं कि एंड द ऑयल कंपनी हैज इशूड लेटर ऑफ इंटेंट फॉर द अबो, तो आप जो ऑयल कंपनी ने जो LOI दिया है उसका आपको LOI का नंबर होता है, उसकी डेट होती है, वो यहाँ पे डालनी है। थर्ड में आपको देना, आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई एम नीदर एम्प्लॉयड इन प्राइवेट सेक्टर नॉट ड्रॉइंग एनी सैलरी पर्क्स इमोल्यूमेंट फ्रॉम द स्टेट ऑब्लिक सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, आर आई वॉज एम्प्लॉयड एंड हैव रिजाइन फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट, प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिजिग्नेशन इज अटैच। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, LOA से पहले आपको प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिजिग्नेशन देना है, ये आपको LOA के पहले देना है, ये बोलता है। मैंने पहले भी क्लियर किया, अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो प्लीज फोकस ऑन दिस। आई ऑल्सो अफर्म दैट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डीलरशिप आई विल नॉट टेक एनी एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट सेक्टर एंड ड्रा एनी सैलरी पर्क्स इमोल्यूमेंट फ्रॉम स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोनों को भी कवर करता है, आप ना तो प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे ना कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में करेंगे, आपको यहाँ पे अपने डेट और सिग्नेचर देना है, आपको यहाँ पर जो है नोटराइज कराना है, मजिस्ट्रेट जज नोटरी पब्लिक से करा लीजिए, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द डेपोनेंट जो भी ये दे रहा है उसको करना है। दोस्तों मैं यहाँ फिर क्लियर कर दूँ, ये इन लोग के लिए वैलिड नहीं है जो प्रोफेशनल है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो अपने लिए काम करते हैं, जो दूसरों के लिए काम करते हैं उनके लिए वैलिड है। मुझे लगता है ये क्लियरिटी आपको आ गई होगी और ये वाली जो है आपको अंडरटेकिंग जो ये वाली जो एफिडेविट है आपको क्लियर हो गई। तो देखिए दोस्तों मैंने मॉनिटर फिर शेयर कर दिया, ये अंडरटेकिंग जो है 6th है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये SC ST कैटेगरीज के लिए है, उनका एक सर्टिफिकेट है, राइट। दिस फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट, राइट, इस तरीके का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया है। इसके ऊपर दोस्तों अपेंडिक्स 5 है जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये मैंडेटरी है सबके लिए, अपेंडिक्स 5 मैंने पहले ही बताया आपको, जहाँ पे आपको साइट का एक मैप देना है, राइट, सैंपल उसका इन्होंने लगा करके दिया और आपको ये सब डेटा देने हैं, तो ये आप बहुत अच्छे से भरिएगा और मेरी पुरानी वीडियो को देख लीजिएगा, मैं इसे स्किप करके अपेंडिक्स 6 पे आ रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों SC ST कैटेगरी का फॉर्मेट है, ए कैंडिडेट हु क्लेम्स टू बिलोंग टू वन ऑफ द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब शुड सबमिट ए सपोर्ट ऑफ दिस क्लेम अटेस्टेड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट इन फॉर्म ऑफ गिवन बिलो। इस फॉर्म में दोस्तों उसको देना फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और सब डिविजनल ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर इंडिकेटेड बिलो इन द डिस्ट्रिक्ट विच हिज पेरेंट्स फॉर सर्वाइविंग पेरेंट्स ऑर्डनरली रिसाइडिंग हु हैज बीन डिजिग्नेटेड बाई द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो यहाँ आपको दोस्तों देना है, ये फॉर्मेट दिया हुआ, आई सर्टिफाई दैट श्री जिसके नाम से अप्लाई हो रहा है, सन डॉटर उनका डिस्ट्रिक्ट डिवीजन बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। ये दोस्तों बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविज़न हैं और उनके जो ऑर्डर्स हैं जिससे जो है जिसके कैटेगरी में ये आएगा सारा का सारा। मैंने आपसे पहले ही बोला है कि SCs और STs के लिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, उसकी यहाँ बात होती है। एज अमेंडेड बाई द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब लिस्ट मॉडिफिकेशन ऑर्डर 1956 में द बॉम्बे रिकॉग्निशन एक्ट। तो दोस्तों समय समय पे चीज़ें अमेंड हो रहती हैं, उनका रेफरेंस दिया है, एक्ट का रेफरेंस दिया है। ये बेसिकली बहुत सारे ऑर्डर हैं जिसकी उन्होंने बात की है, कहाँ कहाँ के ऑर्डर हैं, कहीं ना कहीं कवर होते होंगे, राइट। इसके यहाँ पे कह रहा है एप्लीकेबल टू द केस ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स पर्सन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द वन स्टेट यूनियन टेरेटरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर बेसिकली दोस्तों ये है जो माइग्रेट हुए हैं उनका नाम, उनका फादर, उनका सारा कुछ यहाँ पे सब कुछ आएगा, राइट। श्री इतना एंड आर इज फैमिली ऑर्डनरी रिजाइड्स इन द विलेज, उसकी फैमिली कहाँ विलाइज करती, कहाँ टेरिटरी पे, उसका यहाँ पे डिटेल आएगा। यहाँ पर डिजिग्नेशन और सील ऑफ द ऑफिसर आएगी, यहाँ प्लेस और डेट आएगी, कहाँ पर ये साइन हुआ, किस ऑफिशियल ने साइन किया, राइट। जो इसमें अप्लीकेबल नहीं है दोस्तों उसको डिलीट कर देना है, और जो ऑर्डर है जिसके बेसिस पे आप SC ST डिक्लेयर होते हैं उसको जो है बेसिकली इसमें मेंशन करना है, ये बहुत क्लियर है दोस्तों, राइट। तो लिस्ट ऑफ द अथॉरिटीज एम्पावर टू जो बेसिकली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को देने के लिए, वो दोस्तों ये लोग सब दे सकते हैं, राइट। जैसे इसमें लिखा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ADM एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर डिप्टी कमिश्नर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फर्स्ट क्लास स्टेबिनरी मजिस्ट्रेट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर तालुका मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नीचे चीफ प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट एडिशनल चीफ प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, रिवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, इवन तहसीलदार भी इसको दे सकता है, लेखपाल नहीं दे सकता लेकिन तहसीलदार दे सकता है। सब डिविजनल ऑफिसर्स ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट्स एंड हिज फैमिली नॉर्मली रिजाइड्स, वहाँ का सब डिविजनल ऑफिसर भी दे सकता है, ठीक है। ST कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू तमिलनाडु स्टेट शुड सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट ओनली फ्रॉम द रिवेन्यू डिविजनल ऑफिसर, जो लोग तमिलनाडु स्टेट्स में हैं
उनके लिए उन्होंने जो है एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ दे दिया। मुझे लगता है कि आपको इसमें क्लियरिटी आ गई होगी, तो इसी फॉर्मेट में दोस्तों आपको देना है। अब मैं अपेंडिक्स 7A की बात करता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट। ए कैंडिडेट हु क्लेम्स टू बिलोंग्स टू वन ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस शुड सबमिट इन सपोर्ट ऑफ हिज़ क्लेम सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल विद द कॉपी देयर इन द फॉर्म ऑफ गिवन बिलो। इस तरह के दोस्तों चीज़ों को देना है। जो अधिकारी है, जो ऑफिशियल है, जो सबमिट कर रहा है, वो यहाँ पे कहता है कि मैं श्री इतना सन ऑफ इतना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इतना बिलोंग्स टू द कम्युनिटी, इसका आदर करना है। जो भी नोटिफिकेशन है दोस्तों उसका डिटेल देना है, गजट नोटिफिकेशन का डेट देना है, और कंसर्न स्टेट जहाँ से है यूनियन टेरिटरी का आर्डर है उसकी बात करना है यहाँ पे, राइट। उसके बाद उसकी फैमिली की बात करना है, उसका नाम देकर के डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न वो कहाँ पे रहते हैं उनकी बात करना है। दिस इज़ ऑल्सो टू सर्टिफाई दैट ही डज नॉट बिलोंग टू पर्सन्स सेक्शंस ऑफ क्रीमी लेयर की दोस्तों यहाँ पे बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत से लोग डिस्कशन कर रहे हैं इसका क्या मतलब है। इनफैक्ट जो हमारी अपेंडिक्स 7B है वो नॉ क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, उसको कन्फर्मेशन है उसके लिए दी जा रही है। तो उस पर आप क्लियरिटी कर लीजिएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप OBC हैं बट आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, ये उसको सर्टिफाई करना है, राइट। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग OM इतना आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, मॉडिफाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ पे सिग्नेचर डिजिग्नेशन आएगा विद ऑफिस विद द सील ऑफ द ऑफिस आएगा, राइट। द टर्म ऑर्डिनरी यूज हैव टू बी सेम मीनिंग एज द सेक्शन 20 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो दोस्तों यहाँ मुझे लग रहा है जो लोग अधिकारी जो इसमें अलाउड हैं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं, वो यहाँ पे डिटेल आएगा। द डेट ऑफ अंडरटेकिंग एफिडेविट एज पर अपेंडिक्स 7B सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी डिटेल्ड एज डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द OBC स्टेटस। जो 7B है दोस्तों उस पर जो अपडेट और टाइम डालते हैं ना, मैं उसकी उसको भी आप दिखा देता हूँ। डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग एंड नोटराइज एफिडेविट एज ए नोटराइज एफिडेविट OBC कैंडिडेट ओनली। केवल 7A 7B OBC के लिए हैं दोस्तों, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। टू बी टाइड इन अप टू डेट, ये हम लोग नॉर्मली ₹100 के उस पर कर रहे हैं, जुडिशियल स्टाम्प पेपर की बात कर रहे हैं, नॉन जुडिशियल की। तो यहाँ पे दोस्तों उसका डिटेल देना है, उसका फैमिली का देना है, फिर उसका ऑफिस का देना है। और यहाँ पर दोस्तों ये करना है, इट इज़ ऑल्सो डिक्लेयर दैट आई डोंट बिलोंग टू पर्सन्स सेक्शंस क्रीमी लेयर मैंशन इन द कॉलम 3 ऑफ द शेड्यूल एबो रेफरेंस रेफर्ड ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड इतना विच मॉडिफाइड इतना। तो दोस्तों ये भी आपको दे रहे हैं, यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे, तो ये डिक्लेरेशन देना है, राइट। डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग नॉट साइन बाय द कैंडिडेट हु विल बी रिजेक्टेड, इसकी बात कर रहा है दोस्तों, राइट, डिपोनेंट की बात कर रहा है। डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग नॉट साइन बाय द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। तो अगर आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं दिया, साइन नहीं किया, तो आपकी एप्लीकेशन जो है दोस्तों रिजेक्ट हो जाएगी। फॉल्स डिक्लेरेशन विल रेंडर द एप्लीकेशन लायबल टू बी रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेचर एट एनी टाइम। जो भी डेटा आप देते हैं अगर वो प्रॉपर नहीं, तो दोस्तों कभी भी जो है रिजेक्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये दोनों, ये जो आपको चारों हैं ये एफिडेविट्स कम अंडरटेकिंग्स क्लियर हो गई होंगी, ₹100 के स्टाम्प पेपर पे दे दीजिए। लैंग्वेज को प्रॉपर कर लीजिए, प्रॉपर टाइप होनी चाहिए, जो पर्टिनेंट नहीं है उसे डिलीट कर दीजिए, जो पर्टिनेंट है उसको ले लीजिए। कभी कभी ये फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं आपको मिलती, बट अगर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कोई सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन दूसरे फॉर्मेट में है बट कंटेंट यही है दोस्तों, वो भी एक्सेप्टेबल है, इसमें बहुत साफ साफ लिखा है। तो दोस्तों मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ, ऑनलाइन फॉर्म खोलता हूँ, हम उस पर आते हैं और किसी OBC कैटेगरी का एक फॉर्म खोलते हैं उसके बाद। तभी देखिए दोस्तों, मैंने जो अपना स्क्रीन आपको शेयर कर दिया है और इस पे जो है आपको पूरी क्लियरिटी आ रही होगी कि मैंने पेट्रोल पंप डीलर चेन। अब आपको एडवर्टीजमेंट 2030 पे जाना है, राइट। जब आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये चला जाएगा 2023 के एडवर्टीजमेंट में। ऊपर का जो दिख रहा है वो 2018 के एडवर्टीजमेंट का दिख रहा है जो कि क्लोज़ हो चुके हैं, राइट। यहाँ पर हम आएंगे तो मैंने आपको पहले बता दिया, आप रजिस्टर नाउ, आप रजिस्टर कर चुके होंगे। एप्लीकेंट लॉगिन, यहाँ पर जाके आपको लॉगिन करना है। तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ, यहाँ पर जा करके मैं अपना इसमें सारा डिटेल भर रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं लॉगिन कर गया हूँ, मैं इसमें सिर्फ अपना सेलेक्ट करूँगा, जैसे मुझे जो भी टेंडर भरना है। पब्लिकिंग की डेट यहाँ पर दी हुई दोस्तों, और यहाँ पर देखिए कब क्लोजिंग की डेट है वो दी हुई, स्टेट दी हुई है, राइट। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का मैंने एडवर्टीजमेंट सेलेक्ट किया। अगर आप एडवर्टीजमेंट्स की डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करिए, यहाँ से जो एडवर्टीजमेंट का डिटेल है वो आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये आपको भरना है कहीं ना कहीं, इसका आपको डिटेल देना है। तो इसे आप खोल करके चेक कर लीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर खुल जाएगा, राइट। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया है, ये ऑटोमेटिक खुल रहा है, इट इज़ टेकिंग सम टाइम। तो आप इसको देख लीजिएगा दोस्तों। मैं आगे चल रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ आकर के दोस्तों मैं OBC कैटेगरी का आपको फॉर्म भरना बता रहा हूँ। यहाँ हम आकर के OBC का एक सेलेक्ट कर लेते हैं। आपके पास अगर ऊपर जाके सर्च करने का होता, अगर आप जाके इसे सर्च करेंगे ना, तो वहाँ पर भी जाकर के दोस्तों ये कर लेगा। सर्च पे जाकर के अपनी लोकेशन डालेंगे तो मैं OBC की लोकेशन देखता हूँ, जैसे आगरा की दिखा रहा है, किलोमीटर दिखा रहा है, रेगुलर है,
रेगुलर का मतलब आपको पता ही है कि किस तरह के उस पर रेगुलर होगा। अब यहाँ पे अप्लाई ना हो करके जब हम इस अप्लाई पे जाते हैं ना दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पर ये फॉर्म को खोलेगा और हम एक फॉर्म को आपको भर के दिखाएंगे। ड्रॉप लॉट से होना है, किलोमीटर दिया हुआ है, एट द इंटरसेक्शन ऑफ आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 2.5 किलोमीटर वहाँ पर होना चाहिए। लोकेशन दोस्तों इन्होंने क्लियर की हुई है विद इन द फिरोज़ाबाद फतेहाबाद रोड, ये भी उन्होंने क्लियर किया हुआ। तो यहाँ पर ये SH की बात करता है, तो आपको मैंने बताया था स्टेट हाईवे ऑनवर्ड्स, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, अर्बन एरिया, म्यूनसिपल लिमिट विद इन WML, ये सारे रेगुलर में आते हैं। तो इसमें आपको बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे ये रूरल है तो दोस्तों ये नॉन SH होगा, ये कहीं ना कहीं उससे लोअर लेवल की जो है रोड्स हैं उन पे अवेलेबल होगा। दोस्तों ये मैंने एडवर्टीजमेंट को खोल लिया, यहाँ पे पब्लिशिंग की डेट बता रहा है, डेट कंपनी का डेट बता रहा है। आपको ब्रोशर देखना है कर लीजिए, अप्लाई एज इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल की तरह अप्लाई कर दीजिए, राइट। यहाँ पे पूछता जाएगा आपसे पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में कर दीजिए। नीचे पहला सारा ऑफ मोड पे रहेगा, जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों नीचे वाला ऑन हो जाएगा। पार्टनरशिप या इंडिविजुअल में आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्रोशर को आप यहाँ जाके व्यू कर सकते हैं। यहाँ आपको 40 मिनट्स का समय मिलता है, आपको उसमें भरना होना चाहिए। अगर प्री हैंड है, आपके पास सब रेडी है, तो आप इसको 20 से 25 मिनट में आराम से भर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कैटेगरी OBC होगी दोस्तों, रेगुलर होगी, एप्लीकेशन फी होगी। टाइप ऑफ साइट ये DC है, उस साइट पे है, ठीक है। यहाँ पर आपको अंडरटेकिंग देनी है कि आप अनवायबल SQ डीलरशिप या आपने कभी की है क्लास में, तो यहाँ आप नॉट एप्लीकेबल कर दिया, क्योंकि आप नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर नाम आ गया मेरा, फर्स्ट एप्लीकेंट नाम, ये जो हमने भरा था ना दोस्तों सारा कुछ वही आ गया। ये सारा कुछ एड्रेस, पिन कोड यहाँ आप एडिट कर सकते हैं, स्टेट वगैरह एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा जो पैन नंबर है वो सारा कुछ आ गया, मेरा ई मेल ID आ गया, क्योंकि मैं अपना ही आपको खोल के बता रहा हूँ किस तरीके से भरना है, राइट। इसमें कह रहा है कि आपने मल्टीपल डीलरशिप के नॉर्म्स जो हैं उस ब्रोशर में जो दिए हैं आप यस या नो, तो यहाँ आपको नो करना है दोस्तों। अगर कोई होगा तो आपको यस करना है। यहाँ पे फैमिली यूनिट की बात करता है इसमें कि ब्रोशर सिलेक्शन ऑफ डीलर रेगुलर और रूरल में, आपकी कोई डीलरशिप, आपका कोई LPG का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, यहाँ भी दोस्तों जो डिफ़ॉल्ट में है नो है, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है, राइट। किसी के पास LOI है वो भी लोग अप्लाई नहीं कर सकते, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मेरे पास LOI है, मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकते हैं, आपको अंडरटेकिंग देना है। आप इंडियन सिटीजन है, यहाँ पे यस करना है, डिफ़ॉल्ट में नो नहीं है। तो अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं है तो यू कांट अप्लाई, आप नो करेंगे तो आप नहीं कर सकते हैं। ITR के जो IT के रूल हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था एक डेज होते हैं, उतने डेज आप इंडिया में प्रीवियस ईयर्स में रहे हो तो यहाँ पे यस करना है आपको। आपको डेट ऑफ बर्थ की बात करनी है, एज डालनी है, यहाँ पे आपको एज का प्रूफ देना है डॉक्टर। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, जैसे 10th बोर्ड का सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया, फादर का नाम, हस्बैंड का नाम यहाँ पे वो डालने हैं, सिंगल मैरिड, यहाँ पर आपको इसको चेंज करना है। आप प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ आपको अगर हैं तो आपको डिक्लेयर करना है प्राइवेट में सेक्टर, मैंने आपको बताया था कि यहाँ डिक्लेरेशन देना है। फिर वो आपको जो एफिडेविट है अंडरटेकिंग की फॉर्म में वो आपको बाद में देना। अगर आप यस हैं तो यहाँ यस क्लिक करेंगे, राइट। तो कह रहा है इफ़ सेलेक्टेड यू विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोड्यूस द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिजिग्नेशन बाय द एम्प्लॉयर बिफोर द इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट बाय द ऑयल कंपनी। आप यहाँ पे नो कर दीजिए, यस करने पे क्या आता है ये आपको इंडिकेट करता है, ठीक है। तो आपको जो है एप्लीकेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एफिडेविट इन ओरिजिनल और द फॉर्मेट गिवन इन 10A की। 10A की बात कर रहा है दोस्तों, 10A जो फॉर्मेट है वो एप्लीकेशन का है, वो भी आपको करना है। आपको ओरिजिनल साइन सबमिट भी करना है वहाँ पे, राइट। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ऑनलाइन के बाद वो भी आपको सबमिट करना है। व्यू डाउनलोड फॉर्मेट, अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ से कर लीजिए, नहीं तो अपेंडिक्स में दोस्तों वो दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन आ गई, यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन ले लीजिए, आप जितनी क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहें आप करते जाइए, राइट। आप रिमूव करना चाहें उसे रिमूव कर सकते हैं। लैंड डिटेल आप यहाँ पर अपना ग्रुप करिए, ग्रुप 1 ग्रुप 2 मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ, बहुत थरोली सेलेक्ट करिए यहाँ पे दोस्तों, आप उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए आप। तो यहाँ पर हम आ गए थे दोस्तों, क्वालिफिकेशंस हो गई, आप ऐड रिमूव कर सकते हैं, आपने ग्रुप सेलेक्ट करना है। यहाँ पर फिर नेम ऑफ द ओनर ऑफ द लीज होल्ड, यहाँ पर आपको नाम डालना है दोस्तों जो भी है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जैसे आप नाम डालेंगे ना सेलेक्ट करेगा तो ये जो आपके फैमिली वाले ना दोस्तों उसमें से आपको सेलेक्ट करना है, स्टेप सन डॉटर, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, नो रिलेशनशिप। अगर आप ग्रुप 1 में होंगे तो नो रिलेशनशिप वाला मैटर नहीं आएगा, नो रिलेशन सेलेक्ट करना है जब आप ग्रुप 2 में होंगे। यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करेंगे ग्रुप 2 में तो यहाँ पे अपने आप नो रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड, जो बंदा है उसने कब ये करी है सेल डीड, राइट। नोटराइज एफिडेविट ऑफ लैंड पर अपेंडिक्स 3rd आपने कब का है उसकी बात करेंगे यहाँ पे। अगर आपने कोई गिफ्ट डीड करा रखी है, लीज डीड करा रखी है, डेट ऑफ म्यूटेशन है, डेट ऑफ म्यूटेशन की दोस्तों वहाँ बात करता है जहाँ आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी हो, इसका भी बहुत ध्यान रखिएगा आप, राइट। तो यहाँ अपेंडिक्स 3rd देनी है। इसमें लैंड की बात करता है, यहाँ पे कसरा कतोनी की बात करता है,
यहाँ बहुत तो कन्फ्यूज़न हो रहा है साइज़ में। यहाँ पर मिनिमम साइज़ ऑफर्ड पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। यहाँ पर लोग जिनके पास ज़्यादा है कुछ एडिट कर रहे हैं, कुछ लोग बढ़ा रहे हैं, कुछ लोग मिनिमम ऑफर कर रहे हैं। ये आपकी चॉइस है, बट इससे कम नहीं होना चाहिए साइज़। तो मिनिमम साइज़ इसमें लिखा हुआ है। डिटेल ऑफ द ओनर, डिटेल ऑफ द को ओनर, अगर कोई डिटेल है को ओनर तो दोस्तों आपको यहाँ ऐड करना है। मैंने आपको बताया था को ओनर है तो यहाँ आपको ऐड करना है सेम वे में। अगर नहीं है तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा है राइट, यहाँ पे आप इसे रिमूव कर सकते हैं दोस्तों। सेट पीस ऑफ बिलोंग टू द ऑफरिंग टू मी एज पुटिंग अप द रिटेल आउटलेट ऑयल कंपनी। तो ये बेसिकली फॉर्म ऑफर है दोस्तों जिसकी बात कर रहा है। और यहाँ पर जो है दिस इज़ द पर द डॉक्यूमेंट अंडर द ग्रुप टू, तो ये किस ग्रुप में आप दोस्तों जाते हैं उसकी बात करता है। जिस ग्रुप में आप जाएंगे ना ये उसी की बात करेगा। यहाँ पे जो आप ग्रुप सेलेक्ट करेंगे उसी की बात करेगा नीचे। तो जो ग्रुप खोलेगा ग्रुप वन ग्रुप टू में, यहाँ पर दोनों की बात कर रहा है। जो एक को ओनर है दोस्तों ये उनकी बात कर रहा है, शुड बी अवेलेबल। ये जो मैं बार बार आपको समझाता हूँ, कई मल्टीपल हैं तो उनका ध्यान रखना है राइट। लैंड कैसे ऑफर हुआ उसका देना आपको साइट, आपको जो अपेंडिक्स 5 है उसमें दोस्तों आपको द साइट मैप लेआउट स्केच इंडिकेटेड इन अपेंडिक्स 5 ऑफ द ब्रोशर इंडिकेटिंग डायमेंशन पर्टेनिंग टू पार्ट। ये डायमेंशन दोस्तों जो आप यहाँ होंगे वो डायमेंशन जो यहाँ होंगी आपकी डायमेंशन अपेंडिक्स 5 में ज़्यादा हो सकती है, बट यहाँ पर मिनिमम से मत भरिएगा। उसमें से आप ये छोटा प्लाट निकाल के दे सकते हैं राइट। खसरा घाटा नंबर दोस्तों चेंज नहीं होना चाहिए, आपकी जो है रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। अपेंडिक्स 5 आपको देना है। फंड्स यहाँ पे बता रहा है कितने कितने आपको चाहिए। ये अंडरटेकिंग है जिसको आपको टिक करना है राइट। तो ये आपको टिक करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे आप। एक्सेप्ट करने के बाद डिक्लेरेशन देंगे, जैसे मेरा नाम आ रहा है। एप्लीकेंट टाइप यहाँ पर चूज फाइल, यहाँ मुझे अपनी फ़ोटो लगानी है, यहाँ पर अपना जो है वो लगाना है, आपको जो है अपना वो करना है। इसके बाद दोस्तों हमें इसे सेव कर लेना है राइट। जो सेव इसलिए नहीं कर रहा कि मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन्स नहीं भरी हैं, आपको इसको जो है बेसिकली यहाँ पे जाके सेव करना है। और कैंसिल करना है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। और आप इसे सबमिट करके दोस्तों जब प्रोसीड करेंगे ना आगे जा करके सबमिट कर देंगे तो इसका PDF निकल जाएगा, ये पेमेंट पे चला जाएगा और पेमेंट पे जा करके आप ऑनवे पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका PDF था कि इन अपेंडिक्स में छोटी छोटी चीज़ें कितनी कन्फ्यूज़ करती हैं। जब हम फॉर्म भरते हैं तो वहाँ कहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैंने आपको शेयर किया कि एक एक पॉइंट पे, एक एक हेड पे जब हम उसको एंटर करते हैं, ड्रॉप इन मेनू में जाते हैं, तो उसमें सिलेक्शंस में हमें कितना कन्फ्यूज़न होता है। तो वो फीडबैक आपकी तरफ से आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उसका आपको फेयर आइडिया लगा होगा। इन चार जो अपेंडिक्स हैं उसके साथ में मैंने आपको फॉर्म भरने का आइडिया दे दिया है, ऑनलाइन आपको करके दिखा दिया है। तो मुझे लग रहा है कि इससे आपको क्लियरिटी आई होगी। और मैं आगे जो है एक लास्ट वीडियो में जो कि इससे कंसर्निंग होगी, बची हुई अपेंडिक्स को कवर करके एक दो दिन में, और उनसे कंसर्न जो है ऑनलाइन भरने का एक फॉर्म आपको भर के दिखा दूंगा, सो डेट आपको इश्यूज़ ना आए। फॉर्म भरने में जिन लोगों से गलती हो गई है, मैंने पहले भी कहा है, मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं, किसी ने कोई चीज़ें उसमें डिफ़ॉल्ट में भरी थी, उसने उसको नहीं छेड़ा, नहीं चेंज किया, वो गलती से चली गई। तो जब भी आप कोई लोकेशन का फॉर्म खोलते हैं किसी कैटेगरी का, तो उस कैटेगरी से कंसर्न चीज़ें दोस्तों उसमें डिफ़ॉल्ट में दिखती हैं, उन्हें आपको एडिट करना होता है अपने हिसाब से। तो प्लीज़ उनको करते जाइएगा। और मुझे लगता है कि इससे आपको थोड़ा सा इनसाइट मिला होगा, डिटेल मिला होगा। बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को देख करके भरिए, और आपके जो भी इनपुट्स हैं उनको प्लीज़ शेयर करिए, जो कि हम अगली वीडियो में उनको टेकअप करके चलें राइट। चलिए आप इसको, आपका जो जस्ट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को औरों को शेयर करिए, सो दैट उनसे गलती ना हो। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारा मकसद है कि इन वीडियोज़ को देख के आपसे कम मिस्टेक्स हों, प्लीज़ वो हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो। थैंक यू वेरी मच।